हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन शर्मा। आप देख रहे हैं मजेदार ज्ञान। आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 कंपनी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा और ये गेम खेला भी होगा। तो आज उनके फाउंडर हर्ष जैन के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और कैसे इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में खेलों को लेकर गजब की दीवानगी है। अगर आपकी यह दीवानगी आपको एक गजब का बिजनेस आइडिया देने का काम करे तो खेल के प्रति प्यार और बढ़ जाता है। एक ऐसे ही खेल का प्रशंसक है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैनचेस्टर यूनाइटेड का बड़ा फैन है। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान और फुटबॉल के मैच के दौरान उसने फंतासी लीग में कई बार भाग लिया। 2008 में पढ़ाई के बाद वो भारत लौटा तो भारत में तब तक इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2008 तक भारत में आईपीएल भी चालू हो चुका था। क्रिकेट के प्रति लोगों में दीवानगी किसी से भी छुपी नहीं थी, लेकिन फंतासी लीग अभी तक भारत में चंद लोगों तक ही सीमित थी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक युवा आदमी ने क्रिकेट के लिए फंतासी लीग शुरू की। आज 10 ईयर के बाद उनकी वेबसाइट पर 4 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर है। उनकी कंपनी ना केवल क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल में फंतासी गेम उपलब्ध कराती है। इस धाकड़ स्पोर्ट्स फैन का नाम है हर्ष जैन। हर्ष जैन ने 2008 में भवित सेठ के साथ मिलकर ऑनलाइन फंतासी लीग के लिए ड्रीम 11 की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने फ्री में यूज़र को फंतासी लीग खेलने का मौका दिया, लेकिन अब लगभग 10% यूज़र उनका प्रीमियम यूज़र बन चुके हैं। ड्रीम 11 एक ऑनलाइन फंतासी गेम है जिस पर यूज़र अपने पसंद की टीम चुन सकते हैं। इस टीम में खिलाड़ी चुनने के बाद मैच में उन्हें प्रदर्शन के आधार पर उनको पॉइंट्स मिलते हैं। यूज़र चाहे तो इसमें पैसे भी जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। इस तरह से प्रशंसक पूरे मैच के दौरान अपने आप को भी खेल में शामिल कर लेते हैं। ड्रीम 11 और हर्ष जैन को एक फील्ड में नए होने के कारण कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ा था। ड्रीम 11 को अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान सट्टे के रूप में प्रचलित किया गया, लेकिन हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रीम 11 को क्लीन चिट दी। इसके बाद ड्रीम 11 को लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। ड्रीम 11 ने अपने आक्रामक मार्केटिंग अपनाते हुए महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीवी और इंटरनेट जगत में इनके विज्ञापन की धूम मची है। इन्होंने नए गेम में भी फंतासी गेम शुरू करने का योजना बनाई है, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ और फॉर्मूला 1 भी शामिल है। हर्ष जैन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसे क्षेत्र में कंपनी बनाई जिसको अभी तक से कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। वो एक ऐसी इंडस्ट्री के लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर और भी अन्य कंपनी आती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले